वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण जहां सभी स्कूल बंद हो गए हैं और नए शिक्षण सत्र के आरंभ होने में हुई देरी से बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसको लेकर अब स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। बेशक प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का निर्णय बच्चों के लिए सही भी साबित हो रहा है, लेकिन बच्चों की मोबाइल फोन पर बड़ी व्यस्तता के कारण आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जानकारी देते हुए सुंदरनगर के अभिभावक प्रशांत शर्मा ने कहा कि उनके बच्चे स्थानीय प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर बच्चों को घर पर रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चे सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं। इस कारण बच्चों का लॉकडाउन के दौरान समय भी अच्छा व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन होमवर्क के कारण बच्चों की आंखों में दबाव भी बढ़ गया है और बार बार मोबाइल फोन की स्क्रीन देखने से आंखों में जलन की समस्या आ रही है। मेरा नाम स्वास्तिक शर्मा है। मैं आजकल हमारे स्कूल वालों ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने हमें व्हाट्सएप और एक लिंक भेजकर हमें उस पर पढ़ाई की चीज़ें भेजते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है कि हम स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन वे हमें सब कुछ हमारे फ़ोन पे भेजते हैं। लेकिन उसकी यह एक बुरी बात है कि हमारी आँखों में जलन होती है और हमें बार बार फ़ोन देखना पड़ता है, जिसकी हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल, स्थानीय स्कूल में पढ़ते हैं। आजकल कोरोना महामारी के कारण बच्चों का स्कूल में आना जाना लगभग बंद है। इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार के जो अध्यादेश हैं कि बच्चों को स्कूल में ना भेजें, घर पर ही रखें, उस वजह से अब सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो भी गृह कार्य है, जो भी बच्चों को होमवर्क है, वो ऑनलाइन आना शुरू हो गया है और ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई है। इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई में एंगेज हो गए। जो उनको मुश्किलें आती थी दिन भर टाइम पास करने की, अब सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगभग हमारे बच्चे एंगेज हैं पढ़ाई में, साथ में पेरेंट्स भी एंगेज हैं। इस वजह से बच्चों में जो एक कुछ ना कर पाने की भावना थी, कुछ डिप्रेशन की शिकायतें आ रही थी, वो दूर हो गई हैं और वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। पर इस जो हमारा ऑनलाइन होमवर्क आ रहा है, उससे बच्चों में एक प्रॉब्लम भी आ रही है जो हमें महसूस हुई कि बच्चों की आंखों पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा है। बच्चों को बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखने के कारण से उनकी थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी आंखों में जलन भी हो रही है कभी कभी। तो पर चलिए, ये एक हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू भी होता है, एक बुरा पहलू भी होता है। अच्छी बात यह है कि बच्चे एंगेज हो गए हैं, पर चलिए उसके साथ साथ एक थोड़ी सी मुश्किल है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें और टीवी वगैरह कम देखें, जिससे उनकी आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिले। हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।